मटर पनीर पालक बना के लिए मैंने दो गड्डी पालक लिया है, ये 450 ग्राम है। दो तीन पानी में अच्छे से धो के स्ट्रेनर में डाला है। इधर पानी भी बॉईल होने को आया है, इसमें अभी ये पालक डालते हैं। मैंने पूरा पालक डाल दिया है, अभी 2 मिनट इसको पकाते हैं। अभी 2 मिनट ये मैंने इसमें उबाला दिया है, अभी इसको निकालते हैं। ज़्यादा नहीं हम लोग इसमें रखते हैं, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू इतना ही रहता है। जस्ट सॉफ्ट होने के लिए हम ये ब्लांचिंग करते हैं। और इधर मैंने आइस पानी रखा है, इसमें हम डाल देते हैं। अभी ये ठंडा पानी से हम मिक्सी जार में डाल देंगे और बिगर पानी हम दरदरा पीसते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं, बस दरदरा पीसते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने दरदरा पीस लिया है, पेस्ट नहीं किया है। अभी इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाला है और 1/2 किलो पनीर डालती हूँ। तो ब्राउन कलर आ चुका है, कच्चा डालेगा तो टेस्ट नहीं होता है। जस्ट ऐसा रफली फ्राई करते हैं और इसे अलग रखते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून राई तेल डाला है, तेल थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, 1 टीस्पून जीरा डालते हैं, 2 हरा मिर्च डालते हैं और 1/4 हींग डालते हैं और अच्छे से मिलाते हैं। अभी जीरा चटकने लगा, ये लहसुन डालते हैं 1 टेबलस्पून। अभी 1 स्पून अदरक डालते हैं, फाइन कटा हुआ, बारीक काटा है, और 3 हरा मिर्च डालते हैं और अच्छे से भूनते हैं। 30 सेकेंड अच्छे से भून लिया। अभी ये 2 प्याज बारीक कटा हुआ डालते हैं और फ्राई करते हैं। मैंने लगातार चला दिया फ्रेंड्स, ये ट्रांसलूशेंट हो गया है। अभी 2 टमाटर डालते हैं, मैंने चॉपर में पीसा था और सब मिलाते हैं। अभी लगातार मैंने 1 मिनट चला लिया फ्रेंड्स। अभी पाउडर मसाला डालते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ये सब मसाले इसमें डालते हैं और मिलाते हैं और ढक्कन लगा के स्लो गैस में पकने रखते हैं। मैंने लगातार 2-3 मिनट चलाया फ्रेंड्स, तेल भी ऑब्जॉर्ब हो गया है। अभी इस स्टेज में गैस को एकदम छोटा करके ये 3 टेबलस्पून दही डालते हैं। दही डालने से इसमें से जो कड़वापन है ना वो नहीं आता है टमाटर और इससे। ये 3 टेबलस्पून डालते हैं और मिलाते हैं। दही डाल के मैंने लगातार चला लिया फ्रेंड्स। अभी इस स्टेज में नमक डालते हैं स्वाद अनुसार और ये मैं मटर उबाल के रखा है 200 ग्राम, ये देखिए उबाला है, ये डालते हैं और मिलाते हैं। मटर डाल के मैंने 1 मिनट अच्छे से मिला लिया सबको। अभी ये पालक डालते हैं और मिलाते हैं। 1 मिनट मैंने मिला लिया फ्रेंड। अभी ये ग्राइंडर दोएला थोड़ा मेरे जाड़ा लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है, इसके लिए थोड़ा पानी डालते हैं और सब मिलाते हैं। और इसके बाद ये जो पनीर है ना ये इसमें फ्राई किया ला ये डालते हैं और हल्का सा इसे ये कर देनी तो ये टूट जाएगा। सब मिला लिया, अभी ढक्कन देके 1 मिनट पकने रखते हैं मीडियम में। अभी इसमें उबाल आ चुका है फ्रेंड्स, ये अभी हो गया है, अभी ज़्यादा नहीं पकाने का, इसका जो पौष्टिकता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम अभी बंद करते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून घी रखा है फ्रेंड्स, ये देसी घी है। घी गरम हो गया फ्रेंड्स, घी गरम हो गया। अभी इसमें जीरा डालते हैं 1/2 टीस्पून, लहसुन डालते हैं 4-5 और ये लाल मिर्च डालते हैं और ये 1 टीस्पून तिल डालते हैं और अच्छे से मिलाते हैं।
अभी ये तड़का इसमें डालते हैं और थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखते हैं और सबको मिलाते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स अभी, और गार्निश करते हैं धनिया से 2 टेबलस्पून और मिलाते हैं और डिश आउट करते हैं। भरपूर पौष्टिकता से भरा हुआ पालक पनीर और मटर एकदम टेस्टी है फ्रेंड्स। नान पराठा किसे भी खा सकते हैं, और अगर लाइक होएगा तो एक लाइक और शेयर कीजिए और फ्रेंड सर्कल में रिलेशन में भेज दीजिए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।